हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द सेशन. दिस इज़ अनदर वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो. एंड आज हम फिर से ग्रामर रूल्स पढ़ने वाले हैं. और इस वीडियो का भी आप नोट्स बना लेना, ठीक है? किसी भी दिन आपको मिस नहीं करना है. और प्लीज़ रिवाइज करते जाइए. अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं खुद ही आपको एक रिविज़न क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है? लाइव क्लास में हम रिविज़न करा दूंगा मैं आपको सारे रूल्स का, ठीक है? क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रामर के रूल्स ही बता दूंगा. एग्जांपल मैं अपने खुद बना दूंगा. प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, डू यू वांट रिवीजन, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब के साथ साथ आपको डिटेल्ड वाला रिवीजन लर्निंग हो जाए तो आप हमारा प्लस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ फुल ऑन प्रैक्टिस चलता रहता है. चलिए, बैंक कॉम्बैट में टेस्ट देते रहिए. आपको हर संडे सुबह 10 बजे होता है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. एंड ऑल ऑफ यू शुड गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल, क्योंकि वो आपको टाइम वेस्ट नहीं होने देगा, जल्दी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी. आपके इसलिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स अवेलेबल हैं. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ फ्री अवेलेबल हैं, एज यू कैन सी. ऑलराइट, और जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. अगर आप 2 साल की फ़ीस देखेंगे तो ओनली 7800 है, ठीक है? और 12 मंथ का जो फीस है दैट इज़ 6500. आइकॉनिक का जो स्ट्रक्चर है 9360 एंड 7800, विच इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज अगर आप ऑफलाइन की कंपेरिजन करके देखो तो यहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है. 6 महीने, 3 महीने का बैच होता है, 12, 14, 15 हज़ार रुपये लगते हैं, यू नो. बट ये वाला बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड हमारे एजुकेटर्स के भी अपने कोड होते हैं, ये लगाने से आपको 10% की और हेल्प मिल जाती है. सो गो फॉर इट, चेक इट आउट एवरीथिंग. हमारी जो प्लस क्लास, जो हमारी स्पेशल क्लास होती हैं, वो 2 बजे होती हैं. चलिए, पार्ट 14. तो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देखे वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक आ जाए पूरा का पूरा. ये तो आप देख ही लेंगे, पार्ट 13 तक पूरा कवर कर दें, ठीक? देखते हैं क्या कितना समझ में आता है आपको. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अबाउट द कंपनीज प्लान्स फॉर एक्सपेंस वर डिसिपेटेड अमंग द ऑफिस स्टाफ. ये बड़ा अच्छा बुक है, स्प्रेड कर देना, ठीक है? कोई न्यूज़ हो, है ना, कोई भी इन्फो हो, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसे स्प्रेड कर देना. डिसिपेटेड होता है DISIPATED. नाउ चेक इट आउट कि इसमें ग्रामर का क्या रोल है, कौन सा ग्रामर का रूल लगा होगा, क्या लगता है आपको? देखिए एक बार सब लोग. अब मोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं इसी कोई कहानी है? ऑलराइट, देखो मैंने एक ग्रामर का रूल बताया था, मोस्ट ऑफ हो, ठीक है? उसमें मोस्ट ऑफ भी था और इनके बाद जो आने वाला नाउन होता है उसको ऑब्जर्व कीजिए. अगर वो अनकाउंटेबल है ना, मींस सिंगुलर होगा, ठीक है? मींस वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी. मोस्ट ऑफ द न्यूज़, अब न्यूज़ क्या होती है हमारी? अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर होती है. तो फिर ये वर नहीं होगा, क्या होगा? वॉज होगा, न्यूज का एक पार्ट. याद रखना, अगर आपको याद है वो कौन कौन से थे तो ठीक है, नहीं तो बता देता हूँ. मोस्ट ऑफ हो गया मतलब, ठीक है, पार्ट ऑफ समथिंग हो गया, अलॉट ऑफ हो गया. इनके बाद अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल लगाओ, अगर लेकिन सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ. जस्ट बी केयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट, ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब आएगी. लेकिन अगर अनकाउंटेबल आ जाए इनके बाद नाउन, तो हमारी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, याद रखिएगा. नेक्स्ट, समटाइम द प्राइसेस इन द लोकल शॉप आर वेरी बेटर देन द सुपर मार्केट्स प्राइसेस. ये बड़ा अच्छा रूल है, चेक इट आउट. कुछ लोगों का तो आंसर इतने में ही बन गया होगा. चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये तो पढ़ाया हुआ है तो यूँ समझ लीजिए कि रिपीट हो रहा है. वेरी और मच की कहानी. देखिए वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव जानते हो, बेसिक. ऑलराइट, मच आता है कंपरेटिव में, है ना, कंपरेटिव में. अब एक बात बताओ, यहाँ तो कंपरेटिव है ना, तो वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच, मच बेटर देन द सुपर मार्केट प्राइसेस, ऑलवेज कीप इन माइंड.
we use much before comparative adjective and adverbs. एडवर्ब का भी कंपैरिजन होता है, एडजेक्टिव का कंपैरिजन होता है. कहीं ऐसा ना हो सम ऑफ यू आर लाइक कि सर हमने तो सिर्फ एडजेक्टिव का कंपैरिजन सुना है, एडवर्ब भी कंपेयर होते हैं. ऑलराइट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, टेक योर टाइम. इस क्वेश्चन को अगर आपने करेक्टली सॉल्व किया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा. यू आर अ हीरो. ओके, चलिए मैं बता देता हूँ. देखो इसमें कहानी क्या बनी हुई है कि क्लॉज जो होती है ना उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है. और कितनी क्लॉज होती हैं, व्हाट सी सेज एक क्लॉज है. हमें कैसे पता क्लॉज है, सेंटेंस का पार्ट है, सब्जेक्ट है, इसके अंदर वर्ब है ना. एंड व्हाट सी डज, एक क्लॉज ये है सी टू, इसका नाम दे देते हैं सी वन. वेन द टू क्लॉजेस मीन्स टू सब्जेक्ट. अब ये पूरी क्लॉज एक सिंगल सब्जेक्ट का काम करती है. अगर ये अकेली होती ना ये वाली क्लॉज तो वर्ब इज आती, लेकिन वी हैव टू क्लॉजेस तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है. हमारी क्लॉज सी एल ए यू एस ई सब्जेक्ट होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होती हैं. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलिए भाई क्लियर हो गया ये वाला. नेक्स्ट नंबर 9. Along with developing friendly relations among nations and achieving international cooperation, the United Nations also harmonized the actions of nations. क्या मतलब है इसका? Check it out. एक बार में जब अगर आपको error ना पता चले तो उसको दोबारा पढ़ो, लेकिन divide and rule करो इस बार. देखो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं. अलोंग विद डेवलपिंग फ्रेंडली नेशंस अमंग नेशंस अचीविंग द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है. अब ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या होगा, सिंगुलर लेगा. कीप इन माइंड. तो हार्मोनाइज क्या है, प्लूरल लिखा हुआ है, इसमें एस लगा देंगे तो ये ही बंदा सिंगुलर बन जाएगा. ऑलवेज कीप इन माइंड ऑर्गेनाइजेशंस सिंगुलर. चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास. जो भी नया रूल लिखे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दिया करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. ऑलराइट, देखो नन का बड़ा अच्छा रूल है. क्या कहना चाहता है नन, नन के बाद में, पहली बात तो नन के बाद में ऑफ आना चाहिए, ठीक है. अब उसके बाद में नाउन पे डिपेंड करता है कि वर्ब सिंगुलर होगी प्लूरल. अगर काउंटेबल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल, है ना. नन के बाद में ऑफ तो पक्का आएगा, ध्यान रखो इसको, पक्का ही आएगा. अगर नन ऑफ के बाद में नाउन हमारा क्या है बताओ भाई, अनकाउंटेबल है. सबको पता है अनकाउंटेबल लोग क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं. चलिए यहां चेक करते हैं, यहां पे कौन सा है, नन ऑफ द सेवन प्लेयर्स. ओह नो, ये तो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल होगा इसका. हु हैव बीन गिवन अ चांस टू ज्वाइन माय टीम प्ले, तो इसकी वर्ब यहां है, ठीक है. इस वाले की वर्ब यहां पे है. यू मस्ट बी वंडरिंग, ये फिर हैव बीन किसका है, वो इसके लिए है, हु वाले रिलेटिव प्रोनाउन के लिए है, ठीक है ना. हमेशा ध्यान रखना इस वाले का इंपैक्ट यहां पड़ा प्लूरल,
और इस हु इसके एडजस्ट करके ये बना कौन किसका है, अच्छे से हमें आना चाहिए, सेंटेंस को बायफर्केट करना सीखना चाहिए। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू बीइंग हियर गाइस, ठीक है। नई इन्फॉर्मेशन कमेंट कीजिए, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऑफिशियल टेलीग्राम बाय एन अकेडमी। और राइट, आप डाउट पूछते रहिए फुल ऑन, आपके एप्लीकेशन में ये बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको इमेज अपलोड करनी है, उसे क्रॉप करो और सबमिट कर दो, बस दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन यू कैन ऑलवेज बिन अवॉर्ड। थैंक यू बीइंग हियर गाइस, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग अस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर गाइस, लेट्स क्रैक इट।